हेलो फ्रेंड्स, आई एम पोनाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज का वीडियो काफी डिफरेंट है एंड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आप पेंसिल आर्टिस्ट या स्केच आर्टिस्ट हैं। सो आज मैं एक ऐसे आर्टिस्टिक हैक के बारे में बताने वाला हूं जो आपका मनी तो सेव करेगा ही करेगा, साथ ही आपका काफी टाइम एंड हार्ड वर्क भी बचाने वाला है। सो आज मैं बात करने वाला हूं कैसे आप अपने घर पे ड्रॉइंग्स के लिए चारकोल पाउडर बना सकते हैं अंडर 20 रुपीज, एंड साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप चारकोल पाउडर का यूज करके बड़े एरिया में डार्क बैकग्राउंड जल्दी से जल्दी बना सकते हैं एंड कैसे चारकोल पाउडर से लाइट शेडिंग एंड स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं। सो ज्यादा देर ना करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो DIY शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चारकोल पाउडर आखिर होता क्या है। सो चारकोल पाउडर बेसिकली पाउडर फॉर्म में चारकोल होता है, वही चारकोल जो आपकी पेंसिल्स के अंदर होता है, एंड ये मार्केट में क्रेटा कलर या जनरल ब्रांड में अवेलेबल भी है, बट इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो इन चारकोल पाउडर की ऑनलाइन प्राइस 150 ग्राम की बॉटल की ऑलमोस्ट 800 to 900 है, बट मेरी ट्रिक से आप इसे ओनली 20 रुपीज़ में बना सकते हैं घर पर ही। सो अब बात करते हैं आखिर हमें चारकोल पाउडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो चारकोल पाउडर तब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको डार्क बैकग्राउंड करना है काफ़ी ज़्यादा एरिया में, या आपको लाइट शेडिंग करनी है बैकग्राउंड में, या बैकग्राउंड में टेक्सचर देने के लिए, या स्किन में भी आप लाइट शेडिंग कर सकते हैं चारकोल पाउडर का यूज करके। सो चाहे आप ग्रेफाइट आर्टिस्ट हो या चारकोल आर्टिस्ट, आपके लिए चारकोल पाउडर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप चारकोल पाउडर की हेल्प से कैसे बैकग्राउंड को जल्दी एंड डार्क शेड कर सकते हैं एक चारकोल पेंसिल के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे इस बॉक्स में चारकोल पेंसिल के हेल्प से बैकग्राउंड को शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड 2-3 लेयर्स अप्लाई करने के बाद, उन्हें शेड करने के बाद भी मुझे डार्क बैकग्राउंड नहीं मिल पाया एंड एक स्मूथ बैकग्राउंड नहीं मिल पाया। सो अब इस नेक्स्ट बॉक्स में मैं चारकोल पाउडर की हेल्प से बैकग्राउंड को शेड करने का ट्राई करूँगा। सो इसके लिए मैंने एक ब्रश से कुछ चारकोल पाउडर इस बॉक्स में ले लिया है या पेज में ले लिया है, एंड मैं उसे धीरे धीरे स्मच कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली एंड काफ़ी जल्दी जल्दी ये बैकग्राउंड कवर हो रहा है, एंड काफ़ी डार्क इफेक्ट है एंड काफ़ी प्लेन इफेक्ट भी मिल रहा है। सो बैकग्राउंड के लिए चारकोल पाउडर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो चारकोल पाउडर बैकग्राउंड को सेट करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ही, बट इसके साथ आप चारकोल से एक लाइट एंड स्मूथ शेडिंग भी कर सकते हैं। सो जैसे सर्कल में चारकोल पेंसिल के हेल्प से मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, एंड दूसरे वाले सर्कल में मैं चारकोल पाउडर के हेल्प से लाइट शेडिंग करने की ट्राई करूँगा। सो लाइट शेडिंग आपको यूजफुल होता है अगर आपने फेस में लाइट शेडिंग करनी है या रियलिस्टिक शेडिंग करनी है, तो उस समय चारकोल पाउडर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है जैसा कि आप अभी देखेंगे। सो मैं डिफरेंट ग्रेड्स की या डिफरेंट टोन में लाइट शेडिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो ब्लेंड करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसमें चारकोल पेंसिल का जो टेक्सचर है या जो लाइन है वो बिल्कुल वैसी ही है, अच्छी से ये ब्लेंड बिल्कुल नहीं हुआ है। सो चारकोल पेंसिल से लाइट शेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर मैं यही चारकोल पाउडर के साथ करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मैंने ब्रश में थोड़ा सा चारकोल पाउडर लिया है एंड मैं इसे हल्के हल्के स्मच कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट शेडिंग एंड काफ़ी डार्क शेडिंग, और वो भी काफ़ी स्मूथ हो चुकी है चारकोल पाउडर की हेल्प से। सो इसलिए लाइट शेडिंग में भी चारकोल पाउडर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे तरीके जिनसे आप घर पर ही काफ़ी इजीली चारकोल पाउडर बना सकते हैं। सो सबसे पहले मेथड में आपको सिंपल एक चारकोल पेंसिल चाहिए एंड एक सैंड पेपर चाहिए। सो ये आर्टिस्टिक ग्रेड का सैंड पेपर भी मिल सकता है, या उसके अलावा आप कोई हार्डवेयर शॉप से भी सैंड पेपर ले सकते हैं। सो आपको सैंड पेपर पर सिंपली अपनी चारकोल पेंसिल को स्मच करना है, एंड तब तक करते रहिए जब तक कि आपको एनफ चारकोल पाउडर मिल नहीं जाता। सो ये सबसे इजी एंड सबसे आसान तरीका है जिससे आप चारकोल पाउडर काफ़ी इजीली बना सकते हैं अपनी ड्राइंग्स के लिए। सो आप देख सकते हैं चारकोल पाउडर कितनी इजीली बन चुका है। सो अगर आपके पास वाला सैंड पेपर नहीं है तो आप किसी हार्डवेयर शॉप से भी सैंड पेपर परचेज कर सकते हैं। सो ये वाला सैंड पेपर ज़्यादा हाई क्वालिटी का या ज़्यादा हाई ग्रेन्स वाला है, सो इससे आपको चार पेंसिल स्मच करना ज़्यादा ईजी होगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी चारकोल पाउडर अपने लिए बना सकते हैं इससे। सो ये तो था पहला तरीका। सो जो दूसरा तरीका है वो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो आपको पता ही होगा चारकोल पेंसिल काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होती हैं, सो आप उनकी जो भी लेड हैं उन्हें स्टोर कर लीजिए एंड उन लेड को आप इस इमामदस्ता या जिसमें आप मसाला क्रश करते हैं उसमें आप इनको अच्छी तरह से क्रश करके इसका पाउडर बना सकते हैं। सो मैं इन सभी जो ब्रेक की लेड्स हैं चारकोल की उन्हें इसमें डाल रहा हूँ एंड उसे अच्छी तरह से क्रश करके इसका पाउडर बनाऊँगा।
सो टूटी हुई पेंसिल की लेड्स को क्रश करने के बाद चारकोल पाउडर रेडी है आपके यूज के लिए। सो अब मैं आपको वो फाइनल तरीका बताता हूँ जिससे आप केवल 20 रुपये में ही चारकोल पाउडर बना सकते हैं, वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का एंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। सो उसके लिए आपको चाहिए चारकोल स्टिक्स। सो इसके लिए मैं कैमलिन ब्रांड की चारकोल स्टिक्स का यूज कर रहा हूँ। सो ये कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक्स होती हैं। सो एक चारकोल स्टिक की कॉस्ट 20 रुपये है। सो ऐसे ही आप एक सिंगल चारकोल स्टिक्स भी खरीद सकते हैं, मैंने पूरा पैक ही खरीदा हुआ है। सो मैं इसमें से एक स्टिक निकाल रहा हूँ। सो इन स्टिक्स की खासियत यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं। सो आप चारकोल पाउडर इससे काफ़ी हाई क्वालिटी का बना सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अलग ब्रांड के भी अवेलेबल हो सकते हैं, बट मेरे पास ये ब्रांड का अवेलेबल था। सो मैं इससे ही चारकोल पाउडर बनाऊंगा। सो मैंने इसका प्लास्टिक कवर निकाल दिया है एंड इसके पीसेस करके मैं इसे इसमें अच्छी तरह से क्रश करने वाला हूँ। सो अब मैं रेडी हूँ इस चारकोल स्टिक से चारकोल पाउडर बनाने के लिए। सो लेट्स क्रश इट। सो इनको क्रश करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट हैं एंड कंप्रेस्ड हैं। सो इनसे काफ़ी जल्दी एंड काफ़ी अच्छा सा चारकोल पाउडर बन जाता है। सो अगर आपके घर में ये मोर्टार एंड पेस्टल नहीं है या इमामदस्ता नहीं है तो उसकी जगह आप सैंड पेपर का यूज भी कर सकते हैं। सो आपको सिंपली सैंड पेपर में चारकोल स्टिक को रब करना होगा एंड उससे चारकोल पाउडर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। सो मैंने इन चारकोल स्टिक से चारकोल पाउडर बना लिया क्रश करके अच्छे से। सो इसे अब मैं एक जार में कंटेन कर दूंगा फ्यूचर यूज के लिए। सो अगर आपको लगे कि आपने इसे अच्छे से क्रश नहीं किया है एंड ये थोड़ा रफ़ है या इसमें ग्रीन से दिख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से छान भी सकते हैं जिससे आपको एक स्मूथ पाउडर मिल जाएगा। सो बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आप चारकोल पाउडर बनाएं उसमें छोटे छोटे टुकड़े ना हो, ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो, वरना अगर इसमें छोटे से टुकड़े रह जाएंगे तो आप जब इसे ब्लेंड करोगे तो उनसे आपके पेंसिल के मार्क रह जाएंगे। सो अब जो है मैंने 3 डिफरेंट मेथड से चारकोल पाउडर बनाया है उन्हें मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रोकन पेंसिल से की जो लेड थी उनसे जो मैंने चारकोल पाउडर बनाया था उन्हें टेस्ट कर रहा हूँ। सो एक टिश्यू पेपर में हल्का सा चारकोल पाउडर लेके मैं उसे स्मच कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी प्लेन रिजल्ट मिला है। नाउ मैं जो मैंने सैंड पेपर में डायरेक्टली पेंसिल को स्मच करके जो चारकोल पाउडर बनाया था उसे यूज कर रहा हूँ। सो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। नाउ फाइनली जो मैंने चारकोल स्टिक्स से चारकोल पाउडर बनाया है उसे टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाकी दोनों के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा डार्क है। सो ये चारकोल कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक थी एंड काफ़ी डार्क थी, सो इसलिए इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। सो बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए सबसे बेस्ट यही है और इसके लिए आपको ज़्यादा रुपये भी खर्च नहीं करने हैं, केवल 20 रुपीज़ में आप ईजिली ये बना सकते हैं घर पर ही। सो दैट्स इट फॉर टूडे फ्रेंड्स। आई होप ये आर्टिस्टिक हैक आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अगर आपने भी घर में ही ऐसे चारकोल पाउडर बनाया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।